अच्छा, आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे ऑपरेटर्स का। ठीक है, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन यहाँ पे देख लो। एन ऑपरेटर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कि आपके पास ऑपरेटर क्या होता है, जिस तरह अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, प्लस प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटर को जरूरत होती है दो ऑपरेंड्स की। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 प्लस 4, ठीक है, तो ये 4 प्लस 4 क्या है, इसमें एक ऑपरेटर है और ये 4 और 4 क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन यहाँ पे कह रही है कि वो वैल्यूज चाहे वेरिएबल्स की हो या किसी भी एक्सप्रेशन की हो। ठीक है, ऑपरेटर्स का काम क्या है कि उन वैल्यूज या उन ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे, इसका क्या काम है कि ये दो वैल्यूज को प्लस करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट ने हमें अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स फराहम किए हैं, जिसके थ्रू हम आसान कैलकुलेशन भी और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट कैलकुलेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑपरेशन इज एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर वैल्यूज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यूज आपकी आपके वेरिएबल्स में स्टोर्ड है, चाहे वो एक वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यूज है, हम उनके ऊपर ऑपरेटर की मदद से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर है द स्पेसिफाइड एक्शन ईदर चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स और जनरेट अ न्यू वैल्यू। ठीक है, देखो हमारे पास अक्सर क्या होता है कि जब हम दो वैल्यूज को प्लस करते हैं तो हमें एक न्यू वैल्यू मिल जाती है ना। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का एक काम ये भी है कि डिफरेंट वैल्यूज को वो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक न्यू वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, फिर है एन ऑपरेशन रिक्वायर्स मिनिमम वन सिंबल एंड सम वैल्यू। ठीक है, सिंबल से मुराद यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है, और सम वैल्यू मतलब कोई ना कोई आप उसे नंबर में वैल्यू दें या पॉइंट में वैल्यू दें। ठीक है, फिर है सिंबल इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंबल का मतलब क्या है, ऑपरेटर। एंड इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू। ठीक है, मतलब उसकी टाइप क्या है, मतलब वो क्या काम परफॉर्म करेगा आपका ऑपरेटर। ठीक है, और वैल्यू जब हम उसमें यूज करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्लस माइनस, ठीक है, इनकी अलग अलग काम है, इनके अलग अलग ऑपरेशन है। फिर है वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म इज कॉल्ड एन ऑपरेंड। ठीक है, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड। जिस तरह मैंने अभी यहां पे बताया 4 प्लस 4, इसमें 2 4 क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, मतलब प्लस जो हमारा ऑपरेटर है ना, इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। सही है, मतलब ये कंपलसरी है कि अगर आप अरिथमेटिक, ठीक है, प्लस आता है हमारे पास एक ऑपरेटर की टाइप है अरिथमेटिक। ठीक है, उसके अंदर प्लस का ऑपरेटर आता है और इस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है कम से कम। ठीक है, सही है, यहां तक हो गया। फिर है थ्री मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब तीन हमारे पास टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। सबसे पहले आ जाता है यूनरी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर किस पे ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, मतलब इसके लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू या एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। फिर आ जाते हैं बाइनरी। बाय का मतलब टू। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह अभी हमने अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। फिर है टर्नरी। टर्नरी का मतलब तीन, तीन नंबर्स। ठीक है, मतलब ये हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि तीन वैल्यूज तीन नंबर्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छह कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स की जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक, फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो हम अपने ड्रीम व्यूअर पे स्विच हो जाते हैं।